थैंक यू सीएमएस मैडम और सीनियर डॉक्टर्स डॉक्टर्स फार्मासिस्ट एंड ऑल स्टाफ मेंबर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए ब्यूटीफुल एंड स्पेशल इवेंट। आपका सभी का हर्ष उल्लास देखकर और खुशी देखकर आपकी जो बेस्ट विशेज हैं पापा के लिए वो सब देखकर वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू ऑल। सो टुडे वी आर गैदर, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं टू सेलिब्रेट माई फादर्स लॉन्ग एंड सक्सेसफुल कैरियर ऑफ 38 ईयर्स एंड 10 मंथ्स, अप्रॉक्सिमेटली 39 ईयर्स उनका करियर रहा है एज अ फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट। सो उनका बेटा होने के नाते आई एम वेरी प्राउड, एक्सट्रीमली प्राउड एंड ऑनर्ड टू हैव हिम एज माई फादर एंड ही हैज गाइडेड मी इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी, जैसे लाइक कमिटमेंट है, ही हैज बीन अ मैन ऑफ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, कमिटेड टुवर्ड हिज फैमिली लाइफ एंड करियर। जब से मैं इनको देख रहा हूँ ही हैज बीन कमिटेड 100% डेडिकेटेड, ही इज हार्ड वर्किंग, स्पॉटलेस करियर रहेगा आज तक। जब से मैंने देखा है कोई नेगेटिव नो नेगेटिव फीडबैक, ऑलवेज ही इज गिव गुड लुक्स ऑफ हिज सीनियर्स, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे उत्तराखंड हो, मंगलौर हो, भगवानपुर हो, नोएडा हो, एंड ही हैज फुलफिल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी टास्क इनको दिया गया अंत तक लेके गए हैं उसको हमेशा खत्म किया, बीच में कोई अधूरा टास्क छोड़ा नहीं कभी, नो लाइक नो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग इन्होंने कभी, जैसे हमें परवरिश करते हुए कभी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया। रुड़की ने बेस्ट स्कूल में पढ़ाया तो इनकी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी स्कूलिंग में खर्च हुआ है, उसके अलावा कोई फालतू खर्च नहीं। लाइक ही हैज बीन वेरी फ्रूगल इन लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फ्यूचर। तो आज जहाँ मैं हूँ इनकी मेहनत और हार्डवर्क की वजह से है। सुबह 4 बजे उठता है इनका हमेशा से रहा है, जब से मैंने बचपन से देखता रहा, लाइक 4 AM इन द मॉर्निंग, फिर योगा करना, कम से कम 6 किलोमीटर डेली रनिंग करना, दैट हैज बीन शेड्यूल। और 25-30 साल हो चुके हैं, 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं ये डायबिटिक, बट स्टिल अंडर कंट्रोल। 2-3 साल से जैसे नोएडा में इसका थोड़ा बड़ा था, सही मेडिसिन शुरू करी है 20 ईयर्स से, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी तक तो PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर में थे, बट यहाँ पर थोड़ा दिन मिला गया ज़्यादा थी, तो इस वजह से मुझे सीनियर रोल था चीफ फार्मासिस्ट, काफ़ी डिपार्टमेंट्स थे इनके अंदर। या 4 बजे उठने की बात, फिर हमें पढ़ाना भी होता था इनको, फिर 7 बजे सुबह ड्रॉप पॉइंट पे छोड़ना, प्राइवेट वैन आती थी देवल से रुड़की के लिए, सो मंगलवार से हम बैठते थे, और कई बार छुट भी जाती थी तो फिर स्कूटर से कड़ी ठंड में फिर रुड़की तक छोड़ के आते थे 10 किलोमीटर आना जाना। सुबह उसके बाद फिर अपना ऑफिस ज्वाइन करना और 2 बजे तक ऑफिस करना, फिर इमरजेंसी 24/7 इमरजेंसी। रात को मुझे याद है कभी कभी भी कटकट आ देता था, लाइक कोई भी इमरजेंसी आई उसे एकदम गेट पे गिरी जी काम को, तो रात को 2-3 बजे कभी भी, देयर वाज नेवर अ टाइम व्हेन ही वाज फ्री एंड ही हैज फुलफिल्ड ऑल हिज ड्यूटीज 100%। बाकी वी कांट कॉपी द लाइफ स्टाइल, ही हैज लिव्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर, द वैल्यू ऑफ मनी अंडरस्टूड, वो हमें कभी सोच भी नहीं सकते। टुडे वो आई एम बिकॉज ऑफ हिम, आई ट्राई टू फॉलो जो जो मेरे प्रिंसिपल्स लाइफ में रखे हैं, मैं उसको हमेशा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि 100% भी कर पाऊँगा। सो देयर बीन स्ट्रेसफुल मोमेंट्स 2015 में मम्मी के जाने के बाद, लाइक इट वॉज 2-3 साल काफ़ी टफ गुजरे हैं, बट वी आर स्टैंडिंग फॉर माय फैमिली और ऐसे ही हम खड़े रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे एक साथ। Yeah, so in the end, I'm proud for all you have achieved in your career and you have been working hard. Now it's time for you to give yourself a rest. जो भी आपके passion है, जो भी आपके job करना चाहते थे जीवन में हमेशा, now it's time to do that. जो भी आपने hard work किया है उसका फल लेने का वक्त आ चुका है। Thank you. I love you. Love you.